बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग प्रोसेस लाइफ साइकिल की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम किस किस तरह की इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? दोस्तों, ये ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए यूजर और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकें। यानी यूजर और कंप्यूटर जिन मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, उन मैसेजेस को लिखने के लिए जिन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा, वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और दोस्तों, ये कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके जरिए कंप्यूटर से आप कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। और कंप्यूटर में मौजूद तमाम प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल गेम्स के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इसी तरीके से ऑफिस और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए अलग, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। मींस तमाम प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज नहीं होती, बल्कि दुनिया में हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स भी अलग होता है। और दोस्तों, यहाँ सिंटेक्स क्या है? दोस्तों, सिंटेक्स वो रूल्स होते हैं जिनकी बिना पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखा जाता है, डेवलप किया जाता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने अपने रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है, और यूजर अपना रिक्वायर्ड टास्क को फुलफिल कराने के लिए उन सिंटेक्स को फॉलो करता है। और अगर उन रूल्स को, उन सिंटेक्स को फॉलो ना किया जाए, तो आपका कंपाइलर एरर जेनरेट करता है, जिसकी वजह से आप अपना रिक्वायर्ड टास्क कंप्यूटर से परफॉर्म नहीं करवा सकते। क्योंकि आप जब तक एरर को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक आपका कंपाइलर आगे की कंपाइलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। और आमतौर पर कंपाइलर जिन एरर्स को डिटेक्ट करता है, वो सिंटेक्स एरर्स ही होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने प्रोग्राम को एरर फ्री करना चाहते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को प्रॉपरली सही तरीके से फॉलो करना होगा। और दोस्तों, प्रोग्रामर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। मीन्स आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों, आमतौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो इकसाम होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को आमतौर पर दो मजीद पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो मजीद इकसाम में डिवाइड किया जाता है, जिनमें पहली इकसाम है मशीन लैंग्वेज और दूसरी इकसाम है असेंबली लैंग्वेज। तो दोस्तों, आज हमारा तमाम फोकस मशीन लैंग्वेज। दोस्तों, ये सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसीलिए इसको फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये वो वाहिद लैंग्वेज है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर डायरेक्टली चल सकती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसीलिए इसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। यानी अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है, तो पहले उस काम को, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में देना होगा, तब जाकर ही आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो मशीन लैंग्वेज होती है, ये वाहिद दो नंबर्स यानी वन और जीरोस से मिलकर बनती है, यानी इनमें तमाम इंस्ट्रक्शंस इन्हीं वन और जीरोस पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर भी सिर्फ और सिर्फ वन और जीरोस को अंडरस्टैंड करता है, तो इसीलिए, क्योंकि मशीन लैंग्वेज वन और जीरोस से मिलकर बनती है, इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस वन और जीरोस पर मुश्तमिल होती है, इसीलिए कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, इसीलिए इसके लिए किसी किस्म के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मादरी जुबान उर्दू है, तो आप उसको बिना पढ़े भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको उर्दू आती है और सामने पश्तो लिखी हुई है, तो उसको समझने के लिए आपको किसी न किसी ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जो कि पश्तो को उर्दू में ट्रांसलेट करे। बिल्कुल इसी तरह मशीन लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, मगर दूसरी लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स की जरूरत होती है, जो कि उन लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। और दोस्तों, एक और अहम बात कि हर मशीन, हर कंप्यूटर की, यानी अगर कोई भी कंप्यूटर है, अलग अलग कई तरह के कंप्यूटर्स हैं, तो उन तमाम कंप्यूटर्स की अपनी अलग मशीन लैंग्वेज होती है।
इसीलिए इसको मशीन डिपेंडेंट भी कहा जाता है, क्योंकि एक मशीन पर चलने वाला प्रोग्राम अगर मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो दूसरी मशीन पर नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन में प्लस के लिए जो बाइनरी कोड है वो दूसरी मशीन में माइनस के लिए होगा। इसीलिए आप एक मशीन का प्रोग्राम यानी एक कंप्यूटर पर लिखा हुआ प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज पर मुश्तमिल है, आप उसको दूसरे कंप्यूटर पर नहीं रन कर सकते, उसको दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो दोनों कंप्यूटर्स अलग अलग आपको रिजल्ट फराहम करेंगे। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को भी समझना निहायत ही जरूरी होता है, यानी आर्किटेक्चर की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर ही आप उस मशीन के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, मशीन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन्स को तो इजीली समझ आ सकता है, लेकिन यूजर्स के लिए इसको समझना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ दो नंबर्स पर मुश्तमिल है, वन और जीरोस, और फिर ये तो सिर्फ कुछ लाइंस का कोड है। इसके अलावा आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हजारों इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो ऐसी लाखों लाइनों को का कोड आपको लिखना होगा किसी भी छोटे से छोटे काम को परफॉर्म करवाने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप लाखों इंस्ट्रक्शन इन वन और जीरोस की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ना सिर्फ समझना मुश्किल होगा बल्कि लिखना भी डिफिकल्ट होगा। फिर अगर इतने बड़े कोड में कोई जीरो का भी एरर आ जाए तो इतने सारे जीरोस में से आप कैसे उस छोटे से जीरो के एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो एरर को ढूंढना भी मुश्किल होता है। इसीलिए प्रोग्रामर्स आमतौर पर मशीन लैंग्वेज में एरर को ढूंढने के बजाय नए सिरे से प्रोग्राम को डेवलप करने को तरजीह देते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आखिरी और एक अहम बात कि मशीन कोड के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों, मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप करना मुश्किल था, वन और जीरोस के कोड को याद रखना, उसको समझना, इसीलिए एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई जो यूजर के लिए आसान हो, जो कि यूजर्स की ही लैंग्वेज थी यानी इंग्लिश के वर्ड्स पर बनाई गई थी। क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज के बाद आई, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दिया गया। तो दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती हैं, इनको समझना और लिखना आसान होता है, और जब लिखना आसान होता है तो इनमें एरर को डिटेक्ट करना और फिर उस एरर को रिमूव करना यानी खत्म करना भी आसान होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी कई टाइप्स होती हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। इसीलिए हर तरह की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए दो तरह के ट्रांसलेटर्स को यूज किया जाता है, जिनमें पहला है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। तो दोस्तों, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, यानी एक मशीन पर बनाया गया प्रोग्राम दूसरी मशीन पर भी रन हो सकता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस पर बनाए गए सॉफ्टवेयर्स यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए इसमें मशीन के आर्किटेक्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में हमने देखा था कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए ये यूज की जाती हैं, इसीलिए मशीन्स को भी समझना, उसके आर्किटेक्चर को भी समझना लो लेवल लैंग्वेजेस में बहुत जरूरी था। इसके अलावा दोस्तों, ये ज्यादातर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पर बनाए जाते हैं, जबकि यानी जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं, दीज आर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और उन्हें लिखने के लिए जिन लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। जबकि दोस्तों, हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए यूज होती हैं, इसीलिए इसमें डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को लो लेवल लैंग्वेजेस में जनरेट किया जाता है। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए होती हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस आपके मशीन के लिए होती हैं, ड्राइवर्स के लिए होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के लिए यूज की जाती हैं। दोस्तों, यहाँ एक और अहम बात आपको बताती चलूं कि अभी हमने बात की थी कि लो लेवल लैंग्वेजेस यानी मशीन लैंग्वेज जो होती है, ये मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी एक मशीन पर लिखा गया प्रोग्राम आप दूसरी मशीन पर रन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये वो मशीन्स हैं, दूसरी मशीन से मुराद ये है कि अगर एक HP का कंप्यूटर है और एक इंटेल का कंप्यूटर है, तो
तो इन दोनों पर अगर आप एक ही प्रोग्राम रन करेंगे तो हो सकता है कि इनके आउटपुट्स जो हैं वो डिफरेंट आए, विच मींस कि ये मशीन डिपेंडेंट है। अगर आप डेल में, अगर आपने एचपी के कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो एचपी के ही कंप्यूटर्स पर रन होगा। इस तरीके से अगर आपने इंटेल के कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा है तो वो इंटेल के ही कंप्यूटर्स के ऊपर रन हो सकता है। इसीलिए वी कैन से कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज और इनके डिफरेंसेस। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कई तरह की होती हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर की टाइप के हवाले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स भी अलग होती हैं। जैसे बिजनेस के सॉफ्टवेयर्स के लिए अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, इसी तरह ग्राफिक्स के लिए अलग और गेम्स के लिए अलग, विच मीन्स के हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कुछ खसूसियात होती हैं और उन्हीं खसूसियात की बिना पर उन्हें यूज किया जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस भी अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ मेमोरी से डाटा को लाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो कुछ मैथ्स के फंक्शन वगैरह को यूज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इन्हीं कैटेगरीज में से जो पहली कैटेगरी है वो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? तो कंप्यूटर को जब कभी भी आप डेटा इनपुट देते हैं किसी भी इनपुट डिवाइसेस के जरिए, जैसे कि कीबोर्ड या फिर माउस के जरिए, और कंप्यूटर फिर उस डेटा को आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर शो करवाता है, किसी आउटपुट डिवाइस पर शो करवाता है, तो इस काम के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाता है, दीज आर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। यानी ये जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये खास तौर से इनपुट डिवाइसेस से डेटा को रीड और आउटपुट डिवाइसेस पर डेटा को राइट करने के लिए यूज की जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, दीज इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट द कंप्यूटर टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू अ पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी जब कभी भी आप कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट करेंगे, उस इनपुट को कंप्यूटर रीड करेगा, तो उसके लिए वो इनपुट इंस्ट्रक्शंस को यूज करेगा। इसी तरह जब कभी आप कोई आउटपुट देखना चाहते हैं, कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज करेगा आपका कंप्यूटर, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों, यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बाद जो दूसरी किस्म है इंस्ट्रक्शंस की, वो है कंप्यूटेशन इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, कंप्यूटेशन के मानी होते हैं हिसाब किताब करना, कैलकुलेट करना। तो जब कभी भी आप कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह कर रहे होते हैं, तो इन कामों के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाता है, दीज आर कॉल्ड कंप्यूटेशन इंस्ट्रक्शंस। और दोस्तों, ये देखिए, दीज इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यानी इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटेशन इंस्ट्रक्शंस के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देखिए, दीज इंस्ट्रक्शंस कैन ऑल्टर द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, याद रखिए, जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पहले आपकी लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो, फिर लाइन नंबर 15, फिर लाइन नंबर 20, यानी आप सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को, तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि इन इंस्ट्रक्शंस के जरिए आप प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होना है उसका सीक्वेंस ही तब्दील कर देते हैं। जैसे ये आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है जहां आप इसको कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलर इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब अगर आप इसका सीक्वेंस तब्दील करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को लाइन, यानी अगर आप इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इफ की कंडीशन, इफ की इंस्ट्रक्शन यूज की है। और इफ की इंस्ट्रक्शन जो है, जो कि खुद एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। अब होगा क्या, जैसे ही आपका कंपाइलर इस लाइन पर पहुंचेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन उसे बताएगी कि उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाना है या फिर अगली इंस्ट्रक्शन पर जाना है,
तो ये जो काम होता है यानी ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके थ्रू आप एक पूरे प्रोग्राम के फ्लो को ही तब्दील कर देते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये दोस्तों हमारा कंपाइलर याद रखिए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, पहले वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा फिर इस लाइन को और फिर यहाँ पर आकर यहाँ पर एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मौजूद है तो यहाँ आकर उसको पता लगेगा कि मुझे या तो लाइन नंबर 3 पर जंप करना है या फिर लाइन नंबर 4 पर जंप करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहलाती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन। दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखिए, दीज इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डेटा इंटरनली फ्रॉम वन रैम लोकेशन टू एन अदर। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि रैम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जिसमें वो सारे प्रोग्राम्स जो करेंटली आपके कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहे होते हैं वो जाकर स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी अपने कंप्यूटर पर कोई वीडियो बना रही हूँ तो वो मैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रही हूँ, किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू बना रही हूँ, तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये इस वक्त मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर जाकर स्टोर हुआ हुआ है। और दोस्तों आप सब ये भी जानते हैं, हमने पिछली बुक में ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, कि रैम में सिर्फ एक लोकेशन नहीं होती बल्कि इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए हजारों लोकेशंस मौजूद होती हैं। तो ऐसे में अगर आप एक लोकेशन पर मौजूद डेटा को किसी और लोकेशन पर भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज की जाएंगी वो कहलाएंगी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो डियर फ्रेंड्स ये थी कुछ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपका आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें हमने फोरट्रान, पास्कल, सी लैंग्वेज वगैरह की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।